पे हम देख सकते हैं, जब भी हम स्टील के इंस्पेक्शन के लिए आएंगे या हम RFI रेस करेंगे स्टील इंस्पेक्शन के लिए, तो सबसे पहले ख़ुद चेक करना है कि हमारे पास सारी चीज़ें सेट है। अच्छा, ये हमारे पास एक स्टील केज है जिसमें टोटल 84 स्टील रॉड्स लग रहे हैं। सॉरी, अभी एग्जैक्ट मुझे डिटेल नहीं पता, ड्राइंग मेरे पास है नहीं, तो ड्राइंग में ये चीज़ें फिर आपको दिखा दूंगा कि ड्राइंग में इसके सारे डिटेल किस तरह के हैं। ये हमारे पास एक केज है, इसको आप देखें, इसमें ये जो वर्टिकल या मेन बार या डबल बार जो लगे हुए हैं, पहले ये चेक होंगे नंबर्स कितने हैं और किस किस डायमेंशन के, यानी किस किस टायर के हमारे पास बार्स हैं। ये हमने चेक कर लिए, तो इसके अंदर जो हमारे पास स्टिपनर लगे हुए हैं वो आप देख सकते हैं, 2 मीटर के ऊपर ये राउंड स्टिपनर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लगे हुए हैं। और एक ये हमारे पास जो स्क्वायर फॉर्म में है, ये स्टिपनर है जो हटा दिए जाएंगे, और एक ये हमारे पास स्ट्रेट स्टिपनर है, ये लगे हुए हैं। 3, 4 जितने भी हैं वो ऑलरेडी मेंशन होंगे ड्राइंग में, ये क्रॉस में लगे हुए हैं, ठीक है, ये भी हटा दिए जाएंगे क्योंकि इसके ज़रिए से फिर हम ट्रिमी पाइप वगैरह डालें, तो ये इसके शेप को मेंटेन करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका स्टील गेज है, वो चेक करना होता है, ठीक है। तो पहले स्टील गेज चेक कर लें कि आपके पास जो स्टील लगा हुआ है वो गेजेस इसके क्या हैं। इसके अलावा हमारे पास ये स्पेसिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम 1 बाई 1 तो नहीं चेक करेंगे, हम यहाँ से लेके पूरी लेंथ तक हम देखेंगे और हमारे पास जो स्पायरल के नंबर्स है वो कैलकुलेट होंगे और फिर उसको चेक करेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स में ये चीज़ें फिर मैं डिटेल में बता दूंगा। ये हमारे पास इसकी वेल्डिंग है, अच्छा इसकी भी स्पेसिफिकेशन है, अल्टरनेटिव वेल्डिंग्स की जो डायमेंशंस है वो 250 से लेके 380 तक है, यानी पहला वाला 250 होना चाहिए, दूसरा 380, फिर 250, फिर 380, इसी तरह जाके ये सारे हमने चेक करने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो स्पेसर लगे हुए हैं, ये स्पेसर है, ये स्पेसर है, ये 75 mm के स्पेसर लगे हुए हैं, ये हमने चेक करने हैं। आप देख सकते हैं कि पहले 2 स्पेसर बहुत करीब लगे हुए हैं और 3रा स्पेसर काफ़ी दूर लगे हुए हैं, तो इसकी जो डायमेंशंस है वो लाजमी चेक करनी है कि ये हमारे पास यहाँ पे, ये देखें स्पेसर के हवाले से यहाँ पे मिस्टेक है, हर 2 मीटर के बाद स्पेसर होना चाहिए, तो ये देखो 2 मीटर के बाद ये स्पेसर लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पर बीच में एक स्पेसर मिसिंग। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास स्पेसिंग बहुत कम है, इसमें स्पेसर नहीं लगे हैं लेकिन ये स्पेसर होने चाहिए, ठीक है। तो ये 12 मीटर का पूरा एक लंबा केज है, फाइनल केज जो हमारे पास केज ए है, ये इसके ऊपर कटिंग के लिए हमने इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाई हुई है कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये प्रोटेक्टेड होगा, इसके ऊपर कंक्रीट वगैरह लगी नहीं होगी, तो जाके आगे हम रॉड फाउंडेशन के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा एक केज के हवाले से बात थी, इसकी चेकलिस्ट और ड्राइंग डिटेल हम बाद में शेयर कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारे पास हुक्स लगे हुए हैं जिसके ज़रिए हम इसको अपलिफ्ट करेंगे, तो ये हुक, ये देखें, 2, 2, 2, 2 और 2, 4 हुक्स लगे हुए हैं, ये हम इसको लिफ्ट करने के लिए लगाए हुए हैं। तो बाकी सारी चीज़ें इसी तरह एक हर केज में हम देखेंगे, और केज के ऊपर टैग्स लगे होने चाहिए, जब भी हम इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो हमारे पास इन बड़े पाइल्स में 5 केजेस है, और इन 5 केजेस के ऊपर, हर केज के ऊपर हम टैग लगा देते हैं उनके लिए चेकअप के लिए, ये केज ए, साथ में ये केज बी, और इसमें नंबर ऑफ स्टील बार सारे देखेंगे, ये देखें टैग लगे हुए हैं साथ। इसी तरह इसकी स्पेसिंग सारी पहले वाले केज से डिफरेंट है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम इसकी इंस्पेक्शन की रिक्वेस्ट डालेंगे और उसके बाद इसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन के हवाले से थी, इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, उम्मीद करते हैं। और इसके ड्राइंग्स की जो डिटेलिंग है या ड्राइंग रीडिंग है उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपको सारे डिटेल समझ आ जाएंगे। थैंक यू।